मैंने तो पहले मना किया था। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट रिप्लाई कीजिए, आप सब लोगों को विजिबिलिटी और मेरी आवाज दोनों चीजें क्लियरली नजर आ रही है, सुनाई दे रही है और दिखाई दे रहा है। फटाफट बताइए। हाँ, फटाफट रिप्लाई कीजिए। आवाज क्लियर है? पिंकी, योगेश, अशोक, सीएचए राजस्थान। अगस्त में शुरू हुआ सीएचओ का बैच कब कंप्लीट होगा? बेटा पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स कराते हैं, इसलिए समय लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट। यस यस, क्लियर सर। ज्यादा पढ़ाओ तो तकलीफ, कम पढ़ाओ तो तकलीफ। किसके लिए मना किया? अरे वो तो किसी से, लड़के से बात कर रहा था। अनिल, शाहरुख, विष्णु, खेम सिंह, उदय, योगेश यादव, आप सभी लोगों का मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि आज की जो क्लास हम ले रहे हैं, इस क्लास के साथ जितनी देर की ये क्लास है, आप लोग कनेक्टेड रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस क्लास के बीच में या लास्ट में कभी भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। गौर से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। हाँ, एक सेकेंड, आप सब लोग गौर से मेरी बात सुन रहे हैं ना। एक क्वेश्चन मैं मिड सेशन में पूछ सकता हूं, लास्ट में पूछ सकता हूं, बीच में कभी पूछ सकता हूं। एक क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन पूछने के बाद जो सबसे पहला रिप्लाई उस क्वेश्चन का आंसर जो देगा विद योर मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर भेजना है। जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर आप साथ में डालेंगे और सबसे पहले जिसका जवाब आएगा उसको मेरी तरफ से 251 रुपए का कैश पेटीएम उसको मैं करूंगा एज अ प्राइज मनी। तो कभी भी नोट पंकज 100 रुपीज का नहीं है, बढ़ा दिया है मैंने। हाँ, 200 का, 251, 251 रुपए का प्राइज दूंगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इतना मौका आप लोगों को नहीं दूंगा कि आप लोग नेट पे जाके सर्च करें। क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे रिलेटेड ही होगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होगा, तो वो जो मैं पूछूंगा। हाँ पंकज, 250। तो एक्चुअली आपको कनेक्टेड रहना है, वो क्वेश्चन मैं कभी भी पूछ सकता हूं, किसी भी टाइम पूछ सकता हूं। कंडीशन वही है, सबसे पहले जिस बच्चे का विद राइट आंसर विद कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चीज एक साथ लिखी होंगी उसी बच्चे को वो प्राइज मिलेगा। वो नंबर जैसे क्लास खत्म होगी मैं उस बच्चे को कॉल करूंगा और उस बच्चे को वो मनी दी जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं नरेश, अच्छा चला तो बेटा आगे 2100 भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सतीश, आपके बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा आप कनेक्टेड रहिए और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। एक तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, मैड गुरु कोचिंग क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू ऑफलाइन बैच सीएचओ का 10 नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022 को स्टार्ट कर रहा है। 2 बजे का टाइम है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। डेमो क्लास 10 नवंबर को है और डेमो क्लास आप किसी प्रकार से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। नर्सिंग टुडे का ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपको अलग से एक फोल्डर नजर आएगा, वहां पे देख सकते हैं। आप कोचिंग सेंटर पे आके भी देख सकते हैं, दोनों चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें और देन यू हैव टू डिसाइड। इसके अलावा कल आपकी ओबीजी की क्लास होगी सीएचओ स्पेशल में ही, और उसमें महेंद्र सर एक अनाउंसमेंट करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके बेनिफिट के लिए होगा। और वो जो भी अनाउंसमेंट होगा उसके लिए आप कल इसी टाइम क्लास के लिए कनेक्टेड रहें। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान रखना, ये जो नंबर आएगा मेडिकल न्यूज, जो नंबर आएगा वो आप लोगों को भी दिखेगा, इसलिए डेफिनेटली ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। जिसका सबसे पहले मैसेज आएगा उसी को प्राइस दिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, नर्सिंग टुडे का हमारा ऐप है, एड्रेस आप लोगों को पता है, गोपालपुरा रोड पे होटल ग्रांड सफारी के बिल्कुल सामने वाली जो बिल्डिंग है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है ऊपर जिस पे आप बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि
कि आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है आर एम एन सी एच प्लस ए। आर एम एन सी एच प्लस ए आज का टॉपिक है और ये आपके सी एच ओ सिलेबस में यूनिट नंबर एफ का पार्ट है। जो सिलेबस दिया है उसमें जो यूनिट नंबर एफ दी है उसमें पूरा एक पार्ट है आर एम एन सी एच प्लस ए। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले फटाफट सर्कुलेट करें, शेयर करें, लाइक करें क्लास को, क्योंकि क्लास अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है यूनिट एफ का, जो आपकी फिफ्थ एफ यूनिट है उसमें ये एक टॉपिक दिया हुआ है आर एम एन सी एच प्लस ए। और अब मैं शुरू कर रहा हूं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप सभी लोग रेडी हैं? भवानी सिंह तू प्राइज जीत, मैं कैश आके दे दूंगा, डोंट वरी। चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आर एम एन सी एच प्लस ए। आर एम एन सी एच प्लस ए की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। विपिन सारस्वत ने ये जरूर बताया कब स्टार्ट हुआ है, बट क्वेश्चन जो है वो है आर एम एन सी एच प्लस ए की फुल फॉर्म क्या है। एक आसान क्वेश्चन से आपकी शुरुआत की गई है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर एम एन सी एच प्लस ए की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, मोबाइल नंबर भेजने से कुछ नहीं होगा अभी बेटा। ए ए ए, ये क्वेश्चन नहीं, मैं जो बीच में क्वेश्चन पूछूंगा बकायदा बताऊंगा कि ये वो 250 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो इसका आंसर दीजिए ए ए। कुछ ने डी आंसर दिया है, किसी में बच्चों का आंसर ए है और आप सभी लोगों का होना चाहिए कि आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों ने लास्ट ईयर जब हुआ था तब भी आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडल्सेंट हेल्थ। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, लेकिन चीज यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इससे रिलेटेड जो चीजें वो डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, आर एम एन सी एच प्लस ए का ए आंसर जितने बच्चों ने दिया है। एसपी नायक डी आंसर नहीं होगा बेटा, चिकू सी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा, बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडल्सेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके रिलेटेड माइलस्टोन से उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया, बिल्कुल सही दिया। सबसे पहली बात, इंडिया में एमसीएच को बेसिक हेल्थ सर्विसेज में कब शामिल किया गया? हम सब लोग जानते हैं कि एमसीएच का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अब एमसीएच को बेसिक हेल्थ सर्विसेज में कब मर्ज किया गया या कब शामिल किया गया? तो आपका आंसर आता है 1950, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद 1950 पर एमसीएच को बेसिक हेल्थ सर्विसेज में शामिल कर दिया। मतलब ये डिक्लेयर कर दिया कि एमसीएच उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बेसिक हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में इसको इंक्लूड किया गया। सेकेंड माइलस्टोन ये आया कि 1951 में सबसे पहले नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया गया। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ, जिसको 1977 में दोबारा रिवाइज किया गया और उस वक्त जो नॉर्म दिया गया वो था स्मॉल फैमिली नॉर्म। क्या दिया गया? स्मॉल फैमिली नॉर्म, हम दो हमारे दो। एक्चुअली ये जो नॉर्म था ये 1977 में दिया गया। तो 1951 में तो प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन इसकी रिवाइज्ड जो थी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की वो 1977 में स्टार्ट किया गया। आप सभी लोग जो हैं वो थोड़ा सा नोट जो लिखवा रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कृपया उसको लिखते भी जाएं, क्योंकि आगे ही आपके काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं 90 उसके बाद तीसरा माइलस्टोन हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 1952 और यहां पर स्टार्ट हुआ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये 1952 में स्टार्ट हुआ। और आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला देश था
फर्स्ट कंट्री था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया. तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नेशन वाइड. पूरे नेशन में स्टार्ट किया गया 1952 में. उसके बाद मैंने आपको बताया 1977 में रिवाइज हुआ. उसके बाद हम चौथी बात करेंगे तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट किया गया CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड. चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड ये जो प्रोग्राम था ये 1992 में शुरू किया गया. चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड धीरे धीरे मतलब बच्चों की और मदर जो है उन दोनों की हेल्थ पे ध्यान दिया गया. उसके बाद जो अगला माइलस्टोन आया वो आया 1997 15 अक्टूबर 1997 जहां पर MCH को रिप्लेस कर दिया किसके साथ RCH. MCH को रिप्लेस कर दिया RCH के साथ और यहां पर 15 अक्टूबर 1997 को RCH की फेज फर्स्ट स्टार्ट की गई. इसी फेज को रिवाइज किया गया 2005 1 अप्रैल 2005 को इसको रिवाइज किया गया RCH फेज. तो RCH फेज सेकंड जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2005. हाँ बिल्कुल सही लीजेंड अगोरा आशीष. हाँ जी उसके बाद जो सेवंथ नंबर का जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसको रिवाइज किया गया RCH को और उसका नाम रखा गया RMNCH+A. और ये सब बच्चे ने विपिन ने आंसर किया कि February 2013. कब स्टार्ट हुआ February 2013. तो ये कुछ माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए जो आप लोगों को ध्यान रखने. क्लियर. आप अपने फ्रेंड्स को अपने जो क्लासमेट्स हैं अपने जो दोस्त हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से पढ़ रहे हैं बट एक इंफॉर्मेटिव क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कृपया लाइक जरूर करें. लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं बिगड़ता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है चलिए तो ये मैंने कुछ आपको माइलस्टोन्स बताए जो आप लोगों को ध्यान रखने. अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट RMNCH+A एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट RMNCH+A के लिए सही नहीं है. नितिन भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि शेयर करो भाई लोगों. तो चलिए 5x5 मैट्रिक्स विपिन सब आएगा आपने तो पढ़ा हुआ है शायद इसलिए आप आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है सही नहीं है. इट फोकसेस ऑन स्पेसिंग मेथड्स पर्टिकुलरली PPIUCD. सेकंड यूज MCTS फॉर पॉसिबल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. थर्ड इनिशियल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड फोर्थ डायरिया मैनेजमेंट बाय ORS एंड जिंक. बी मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है. वेरी गुड. हाँ मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है. बी वेरी गुड. देखिए यहां पर इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5x5 मैट्रिक्स. ध्यान रखना यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि 5x5 मैट्रिक्स किस प्रोग्राम से रिलेटेड है किस स्कीम से रिलेटेड है किस प्रोग्राम से रिलेटेड है. तो आप बोलेंगे RMNCH+A. ये 5x5 मैट्रिक्स इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है. गौर से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल कितने पार्ट हो गए 5. रिप्रोडक्टिव वीमेन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडल्सेंट 5 तो हो गए ग्रुप और हर ग्रुप में 5-5 प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई गई है. तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 5x5 मैट्रिक्स.
फाइव बाय फाइव मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि पांच तो ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल मतलब 15 to 49 ईयर्स, दूसरा मैटरनल जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग फीमेल, एन का मतलब न्यूबॉर्न, सी का मतलब चाइल्ड और ए का मतलब अडल्सेंट, मतलब 10 से लेकर 19 साल के बच्चे बच्चियां। ये सारी की सारी चीजें इसमें हिस्सा है, तो पांच तो हो गए इसके ग्रुप और हर ग्रुप पांच पांच सर्विसेज अवेलेबल है, उसके आधार पर इसको 5x5 मैट्रिक्स दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बी है, बिल्कुल सही कहा आशीष, लॉक कर दिया है, आंसर है बी। तो मुझे आगे ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं। आपको विजिबल होगा, आई होप सो विजिबल है, तो देखिए सबसे पहली बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड एडल्सेंट हेल्थ। अब मैटरनल हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें हैं आपको डिटेल में याद नहीं करना है, बट कॉमन जो छोटी छोटी चीजें उनको आप अपने एक मिनोमिक में बना सकते हैं, याद रखने के बना सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट है PPIUCD, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। PPIUCD की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर की तरफ, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUD डिलीवरी के बाद इंसर्ट करना PPIUCD कहलाता है। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है और एट द जस्ट आफ्टर द लेबर विद इन 48 आवर्स इज द बेस्ट टाइम। तो वो आपको जब कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो पहली चीज तो ये, दूसरा इन्होंने कहा कि इंटरवेल IUCD, जैसे एक बच्चा हो चुका है दूसरे बच्चे के लिए गैप चाहिए तो इंटरवेल IUCD का इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक प्रेगनेंसी से दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल 5 साल का गैप चाहिए तो वो कहलाती है इंटरवेल IUCD। लेकिन ये यहां पर सब सेंटर पे शुरू कर दी जाए, फिक्स डे बना दिया जाए, वहां पर शुरू की जाए। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ आशा बाय आशा, इसको बोलते हैं होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? आशा के द्वारा। आशा घर घर जाके कॉन्डम, इमरजेंसी पिल, जो मंथली ओरल पिल्स है वो, ये किट्स अवेलेबल करवाती है, उसको स्टार्ट किया गया। स्ट्रेंथनिंग सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, यदि कोई फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई है या किसी प्रकार का कोई यूजेनिक माल फॉर्मेशन, कंजनाइटल माल फॉर्मेशन हो गया है या कोई ह्यूमैनिटेरियन केस है MTP एक्ट में जो सारी कंडीशंस है, तो आप उसको सेफ अबॉर्शन प्लेसेस बताएंगे कि हाँ ये प्लेस है, इस डॉक्टर से आप बात करें, 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर, 20 से 24 है तो दो डॉक्टर, जो भी पूरी एडवाइसेज है वो आप उसको दें। और तीसरा स्टरलाइजेशन सर्विसेज, मतलब वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। तो यहां पर हम कह सकते हैं फीमेल के लिए ट्यूबेक्टमी। इन चीजों के लिए 5 पॉइंट दिए गए, याद करने का फंडा, पहला PPIUCD, दूसरा इंटरवेल IUCD, तीसरा होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, चौथा मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन सर्विसेज और पांचवा बताया स्टरलाइजेशन। ये 5 चीजें किसमें आएंगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जब मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है MCTS, मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। हम मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को जो यूज करते हैं इसका मोटिव इनफर्टिलिटी के बारे में पता लगाना नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन में MCTS तो लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो MCTS डेफिनेटली रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड है, लेकिन उसका मोटिव इनफर्टिलिटी को पता लगाना नहीं है। उसका मोटिव है कि मैटरनल सर्विसेज, एंटीनेटल और जो चाइल्ड सेंटर सर्विसेज है उनके बारे में प्रमोट करना। तो यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइड फुल ANC मतलब एंटीनेटल केयर, उसको प्रमोट करने के लिए MCTS स्टार्ट किया गया। दूसरा, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको आइडेंटिफाई करो, जिसे सीधा आप उसे कहां भेज सको, FRU भेज सके। सर आज के दिन नोट बैंड हुए तो इंडिया में आज मत देना पैसे। पंकज मेघवाल पैसे पैसे घूम रहे तेरे दिमाग में, पहले पढ़ लेते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरी बात। तीसरा पॉइंट,
जो डिलीवरी है वो ट्रेंड एचआर वो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिलीवरी करवाई जाए। चौथी बात ये कि मैटरनल और चाइल्ड डेथ क्यों होती है उसके कारणों का पता लगाएं, उसे रोकने का प्रयास करें, और पांचवी बात इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दें। तो ये पांच एस्पेक्ट इसके अंदर है। न्यूबॉर्न में बात करेंगे, सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर आशा के द्वारा दी जाती है, 6 विजिट होती है और 7 विजिट होती है, वो अलग अलग है, 0, 3, 7, 14, 21, 42 जो मैंने आपको बताया था उस प्रकार से 7 विजिट या 6 विजिट जो भी है, यदि होम डिलीवरी होती है तो 7 होती है और इंस्टीट्यूशनल होती है तो 6 होती है। तीसरा एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, इसमें नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी आ गया। उसके अलावा जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होती है वहां पर भी आपके पास पर्सन होना चाहिए ट्रेंड, और लास्ट में ANM को जो जेंटामाइसिन का यूज करना होता है उसको इफेक्टिवली यूज वो ANM करे, उसको अधिकार दिया जाए। ये स्टार्ट किया गया न्यूबॉर्न हेल्थ के अंदर। उसके बाद आया चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में IFA सप्लीमेंटेशन है, डायरिया हो जाए तो ORS जिंक देना है, न्यूमोनिया जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का उसको ट्रीट करना है, पूरा इम्यूनाइजेशन, और लास्ट चीज है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो याद रखे आप। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये भी 2013 में स्टार्ट हुआ, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये बेस्ड था 4Ds पर बेस्ड था 4Ds पर। पहला डिफेक्ट एट बर्थ, बच्चे में एट बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं कंजनाइटल माल फॉर्मेशन। दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, क्वाशोरकोर मेरास्मस। तीसरा डिजीज अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आई की, स्किन की, डेंटल प्रॉब्लम। और चौथा जो था वो था डेवलपमेंटल डिले। ये 4Ds पर आधारित हैं, तो ध्यान रखना RBS के 2013 में स्टार्ट हुआ और इसका मेन मोटो जो है वो 4Ds है, 4D, डिफेक्ट एट बर्थ, बच्चा जिन प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुआ है पहली बात, दूसरी बात डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, किसी प्रकार की डेफिशिएंसीज है उसको आइडेंटिफाई करना है, दूर करना है। डिजीज अमंग द चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, तो डेंटल होती है स्कूल चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में और इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है। और डेवलपमेंटल डिले, तो डेवलपमेंटल डिले में हमें देखना है कि बच्चे की ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे को मोटा डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को जो उसके एज के हिसाब से चेंजेस आने चाहिए, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, हियरिंग हो रही प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम्स हो रही है, बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ये आपके RBSK का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली आप ध्यान रखें ये RBSK, इसको भी किसमें शामिल किया गया था, चाइल्ड हेल्थ में 5x5 मैट्रिक्स में। और लास्ट है एडल्सेंट हेल्थ। एडल्सेंट हेल्थ के अंदर हमें ध्यान रखना है कि पहली चीज है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज, जो पीयर ग्रुप है उनके साथ, डिले इन एज ऑफ मैरिज, अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट डाला है कि 18 से 21 साल एज कर दी जाए, हालांकि दोनों सदन से पास नहीं हुआ है, लेकिन मैरिज एक्ट में बदलाव की सुझाव दिया गया है। अर्श क्लिनिक, जिसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन आएगा। वीकली IFA टैबलेट्स विप्स, उसके बारे में, एक वीक में एक पिल देनी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और मेस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करना है, मेस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को स्टार्ट किया गया, उसको प्रमोट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें 5x5 मैट्रिक्स में आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट था ये तो किसका पार्ट था, फटाफट बोलते जाओ, ये पार्ट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। किसका पार्ट था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये वाला पार्ट किसका था? न्यूबॉर्न। किसका पार्ट था? न्यूबॉर्न। और ये वाला पार्ट किसका था? ये चाइल्ड का भी है और न्यूबॉर्न का भी, तो दोनों का इसके अंदर हम कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये तीनों पॉइंट तो है, लेकिन इसमें MCTS तो सही है लेकिन इनफर्टिलिटी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? बी। और आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। चलिए सुपरमैन मत ध्यान दीजिए बेटा, जो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा। हाँ कोमल बेटा
जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? फटाफट आरबीएस के में एज ग्रुप क्या है, चलो ये बता देता हूं आपको। बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। बच्चे ने पूछा है आरबीएस के में एज ग्रुप क्या है, तो आरबीएस के में जो एज ग्रुप है इसको देख लीजिए आप। आरबीएस के में जो एज ग्रुप बनाया गया है उसमें दो एज ग्रुप है, एक तो 6 साल तक के बच्चे और एक 6 से 18 साल के बच्चे। याद रखना ये एज ग्रुप बता रहा हूं, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसको बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रखना आरबीएस के में जो एज ग्रुप है 6 साल तक के सभी बच्चे, चाहे वो शहर का रहने वाला हो और चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अर्बन हो और चाहे वो रूरल हो, सारे बच्चे शामिल हैं इसमें। लेकिन 6 से 18 साल में वो बच्चे शामिल हैं जो कौन सी स्कूल में एनरोल्ड हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। मतलब हम ये मानते हैं कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आता है, मतलब स्कूल एज चिल्ड्रन होती है 6 से 18 साल। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 6 से 18 साल जो एज ग्रुप है, तो यहां से 6 to 18 ईयर्स के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड है उनको शामिल किया गया और 6 साल तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया, ठीक है? तो आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, समझा दिया है, ठीक है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया था बीच में और इसका इस क्वेश्चन का, और आंसर था बिप्स। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है, सी 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 सी, हाँ अनीता सी, लीजेंड गेमर डी, राजेंद्र डी, बिल्कुल बी, हाँ कोमल बेटा थैंक यू। चलिए हाँ, एक क्लास आरबीएस के और पॉइंट्स पे ले लेंगे। 27 करोड़ बच्चों की है, 2 करोड़ वो है, 8 करोड़ वो है 6 साल तक के बच्चे, और उसके बाद 17 करोड़ बच्चे हैं, टोटल मिला के 27 करोड़ बच्चे हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्कस कर लेंगे बाद में। चलिए, सब लोगों का, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है। अच्छा, राइट आंसर डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही दिया आपने, जो राइट आंसर है वो क्या है, विप्स। लेकिन बाकी चीजें क्या है, देखिए पहली चीज है आंगनवाड़ी केंद्र, ये क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी सेंटर को आंगनवाड़ी केंद्र नाम कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो आंगनवाड़ी सेंटर को आंगनवाड़ी केंद्र भी बोल सकते हैं। एनवाईकेएस जो है, एनवाईकेएस जो है वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन। समझने की बात यहां पर देख लीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए। AWK का मतलब है आंगनवाड़ी केंद्र, NYKS का मतलब है नेहरू युवा केंद्र संगठन। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम जो है ये आपका स्टार्ट हो गया था 1972, तब स्टार्ट हो गया था 1972, लेकिन इसको 1987 में, पहले तो क्या था, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र थे, लेकिन बाद में इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ऑटोनोमस बॉडी, और ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, वो बना दिया गया 1987, कब बना दिया गया 1987, तो 72 में तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन एज ऑटोनोमस बॉडी 1987 में आया। विप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, विप्स, विप्स का मतलब होता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये विप्स है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे आपने सुना होगा आयरन इनिशिएटिव, है ना, इसी प्रकार से ये भी एक प्रोग्राम है। अब विप्स में क्या होता है कि हम वीक में, साफ दिख रहा है कि वीक में एक पिल देनी है, एक टैबलेट देनी है, लेकिन इस टैबलेट का कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है 100 मिलीग्राम एलिमेंट आयरन, 100 मिलीग्राम एलिमेंट आयरन प्लस 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड। ये ध्यान रखना कि 0.5 मिलीग्राम की जगह 500 माइक्रोग्राम भी लिखा हुआ आ सकता है, एग्जामिनर आपको 500 माइक्रोग्राम भी दे सकता है और आपको 0.5 मिलीग्राम भी दे सकता है, ऑप्शन में दोनों में से कोई भी चीज दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ध्यान रखना विप्स के अंदर जो डोज दी जाती है उस डोज का जो एक पिल, एक टैबलेट देनी है एक वीक में, ये बात ध्यान रखिए।
हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ध्यान रखना है कि 100 मिलीग्राम एलिमेंट आयरन और 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देना है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन एनीमिया मुक्त भारत में पूछ लिया जाए, एनीमिया मुक्त भारत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई स्कीम है जो कि 666 इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, 6x6x6। तीन चीजें हैं, 6 तो ग्रुप है, 6 इंस्टीट्यूशन और 6 स्ट्रेटजी है, सॉरी 6 और 6 इंस्टीट्यूशन है। 6 तो ग्रुप लिया गया इसके अंदर और 6 प्रकार की सर्विसेज है, प्रकार के इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया, इस प्रकार से 6x6 है। यदि ये एनीमिया मुक्त भारत के हिसाब से पूछते तो ध्यान रखना यहां पर 100 मिलीग्राम नहीं आएगा, 60 मिलीग्राम आएगा। द आंसर विल बी 60 मिलीग्राम। क्या आंसर होगा? 60 मिलीग्राम। तो ध्यान रखिए, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि इसमें हमको थोड़ा सा चेंजेज यदि घुमाता है एग्जामिनर तो पता होना चाहिए। जब मैं अगली क्लास लूंगा स्कीम्स के बारे में तो आपको एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी हम बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, ये आंसर नहीं है। NYKS ये आंसर नहीं है। ICDS तो अपने आप में एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, उसी का तो पार्ट है आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी सेंटर, तो वो भी आपका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर बच्चों आपका बिल्कुल सही था और वो था विप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कृपया मिस्टर अनु एस अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन ना करें बेटा, बहुत जगह है, जो भी बात है वो बाद में करते रहें, पढ़ने के लिए जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ अपनी चीजों को नहीं करें, ठीक है, वरना फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको ठीक नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन एज ऑटोनोमस बॉडी स्टार्टेड इन विच ईयर? आंसर बता चुका हूं, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जल्दी आंसर देना स्टार्ट कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बी, सबसे पहले अमित सोनी का आंसर आया बी, आंसर देना स्टार्ट कीजिए बच्चों, अभी डिस्कस किया है चीज तो। हर्ष बी, हर्ष ने ए आंसर दिया है, राम बी, बी हर्ष ए आंसर नहीं है बेटा। मैंने बताया था कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1972 को, लेकिन एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी की तरह इसको कब अडॉप्ट किया गया, तो आप लोगों का जवाब होगा 1987। क्या होगा? 1987। इसी 1972 के साथ एक और चीज याद कर लेना, 1 अप्रैल 1972 को टीपी एक्ट को लागू किया गया। किसको लागू किया गया? एमटीपी एक्ट को। यदि 1987 के साथ एक और पॉइंट याद करना है तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1987। चीजों को कोरिलेट कीजिए, चीजों को साथ में रख के रखिए, क्योंकि प्रोग्राम्स स्कीम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं याद करने के लिए। तो जब हम ईयर की बात करते हैं तो हम कभी जब भी रिवाइज करने बैठे तो ये सोचने बैठ जाए कि इस साल में और क्या क्या हुआ था, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको यहां पर यह बताया कि एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है कि 1972 में आपका एमटीपी एक्ट लागू हुआ, पास हो गया था 71 में लेकिन लागू हुआ 72 में। 1987 में ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, किसको? नेहरू युवा केंद्र संगठन को। लेकिन उसी टाइम हमने इसको क्या किया, ऑटोनोमस बॉडी 87 में बनाया और 87 में ही नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 1997 आप लोगों को बता चुका हूं मैं, RCH का फेज फर्स्ट स्टार्ट किया गया। और 2005 तो बहुत इंपॉर्टेंट साल था, 2005 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। 2005 में बहुत सारी उपलब्धियां हुई, पहली उपलब्धि RCH सेकंड, दूसरी उपलब्धि NRHM, तीसरी उपलब्धि इसी साल में NRHM के अंतर्गत क्या स्टार्ट की गई, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना JSY। तो 2005 में ये सारे काम हुए। अम्ब्रेला प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया जो कि NRHM का हिस्सा था, वो भी 2005 में स्टार्ट किया गया। तो 2005 से रिलेटेड जो जो पॉइंट है
उन सबको आप लोग ध्यान करते रहें। फर्स्ट फेज 1992, सेकंड फेज 1997, थर्ड फेज 2007, फोर्थ फेज 2014, 12 फरवरी 2014। वेरी गुड विपिन, अच्छी बात है कि आप चीजों को जो पढ़ा देते हैं उनको याद रखते हैं, और यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए, और ध्यान रखिए कि ये सब CHO की ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। हाँ बेटा, जो सिलेबस आपका दिया है ना, जो आपके CHO में सिलेबस दिया है, वो उसी का सिलेबस दिया है जो CHO ब्रिज कोर्स चलता है, उसी का सिलेबस है। हाँ जी, RTI 2005 में आया, बिल्कुल सही है, ये भी आप याद कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, चलिए आप लोग सो इस प्रकार से लोग चीजें बनाएंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है विच पीरियड, बाद में भी रहेगी, चिंता मत कीजिए, आंसर आना स्टार्ट कीजिए। बी ए ए बी ए ए आगे दीजिए, ए ए बी ए ए बी बी। चलिए आप दोनों के जो आंसर है वो दो में सिमटे हुए हैं, फर्स्ट टू इयर्स ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूलिंग एज। देखिए क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ए चाइल्ड, मैंने यहां पर एक वर्ड लिख दिया चाइल्ड, यदि मैं चाइल्ड नहीं लिखता और इसको छोड़ देता, बस इतना ही लिख देता, तो ये आपका जो आंसर होता ये होता लगभग 1000 दिन, 1000 डेज। नॉर्मली अपॉर्चुनिटी जो क्लिनिकल विंडो, जो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर क्रिटिकल विंडो है, वो 1000 दिन की होती है। मतलब जिस दिन महिला प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर जब तक बच्चा 2 साल का होता है, ये पीरियड अपने आप में क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसके फाल्टरिंग होने के। फाल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, मतलब वो जो नॉर्मल ट्रैक पे चल रहा है सिस्टम, उसका बिगड़ जाना, वो कहलाता है फाल्टरिंग। तो फाल्टरिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन 1000 दिन में, नॉर्मली प्रेग्नेंट होने से लेकर 2 साल तक के बच्चे तक। तो यदि मैं आपसे केवल ये पूछता तो आप इसको नहीं लिखता, तो फिर तो आपका आंसर होता फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टू 2 ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। लेकिन मैंने पर्टिकुलर यहां पे बच्चा लिख दिया, तो बच्चे की लाइफ के पहले 2 साल क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब होने के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर डिस्कस रहते हैं। बेटा ऑनलाइन का कब से स्टार्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूं, लास्ट में आपके सामने वो रख दूंगा, उसको आप देख लेना। अभी हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखें, और फिर हमें एक एक क्वेश्चन भी पूछना है इंपॉर्टेंट। चलिए, तो यहां पर फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ ध्यान रखिए आप, फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ का मतलब पहले 2 साल, और यदि ओवरऑल पूछा जाता तो आप क्या बोलते हैं, लगभग 1000 दिन। ये आप लोगों को याद रखना है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ए। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, SP नायक बिल्कुल सही है, दिव्या कंवर, मोहित, अशोक, अशोक डी नहीं है बेटा, ए आंसर होगा, रोहित ए आंसर होगा, नितिन ए आंसर है। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप लिख ले और अपने ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, अंडर द HMIS विच कलर कोड इंडिकेट्स पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। एक्चुअली ये भी किसका पार्ट है, RMNCH+A का, ये भी किसका पार्ट है, RMNCH+A। फटाफट आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन डाल दिया है मैंने, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ जी, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ग्रीन ए आंसर आ रहा है, नीलम ने बी आंसर दिया है, हर्ष ने, राज ने, नितिन ने ए दिया है, अमिता, रोहिताश बेटा ए दिया है, गोविंद बी, विक्की बी ए, पंकज ने डी आंसर दिया है, रेड सी आंसर दिया है, मुकेश ने, लेकिन एयर बी आंसर सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता। अशोक खाटू श्याम जी की जय, हाँ तुक्का मार रहे हो, हाँ मुकेश अपने आंसर पे टिका हुआ है, और मुकेश का बिल्कुल सही आंसर है, द राइट आंसर इज सी, बिल्कुल सही आंसर दिया है मुकेश ने। अब सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअली जब कोई भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं, HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
ये मैनेजमेंट की टेक्निक है जो आप लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अब आप किसी भी काम को तो इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो RMNCHA में एक चीज और आती है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए मैं हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉलो करता हूं। अब इसमें होते हैं चार कलर, ये चारों कलर होते हैं। यदि कोई स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्सीलेंट, तो आप उसको कौन सा कलर देते हैं? ग्रीन। यदि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? एक्सीलेंट, तो आप उसे कौन सा कलर देंगे? ग्रीन। यदि उसकी परफॉर्मेंस प्रॉमिसिंग है, मतलब जो कमिटमेंट उसने किया उनको पूरा कर रहा है, तो आप इसे कहेंगे, मतलब परफॉर्मेंसिंग, जो प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसिंग है, प्रॉमिसिंग जो है, जो उसने प्रॉमिट किया था उसको पूरा कर रहा है, तो कौन सा कलर दोगे? येलो। लेकिन पिंक और रेड कलर पुअर और वेरी पुअर परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। पिंक का मतलब है पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जितनी उम्मीद थी उससे कम परफॉर्मेंस है, मतलब वहां के हेल्थ वर्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में रेड, यह है वेरी पुअर परफॉर्मेंस। कैसी है? वेरी पुअर परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखिए, जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हम चार कलर देते हैं, और चार कलर जो देते हैं उसमें ग्रीन कलर दिखाता है एक्सीलेंस परफॉर्मेंस को, येलो दिखाता है प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस को, पिंक दिखाता है पुअर परफॉर्मेंस को, और रेड दिखाता है वेरी पुअर परफॉर्मेंस को। तो राइट आंसर आएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं रोहित, ये राइट आंसर आएगा सी, और जो दिया था एक बच्चे ने, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, दिस प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ विच स्कीम? दिस प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ विच स्कीम? आपके सामने एक इमेज दिखाई गई है और आपको यह बताना है कि यह इमेज कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर, कौन सी स्कीम को रिप्रेजेंट करती है। स्टार्ट कीजिए, स्टार सेवन, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ये क्लास आपके पास रहेगी, जो पॉइंट्स पहले पढ़ाएं एक बार उनको जरूर पढ़ें, अपने नोट्स में कॉपी करें, इसके लिए आपके लिए ठीक रहेगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो मित्र लोग हैं उनको शेयर भी करें। राहुल, प्रजापत, सरोज, वैभव, राजेंद्र, हाँ जी, फटाफट चलिए, चलते जाइए फटाफट। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है, और ये लग भी गया क्योंकि ये फ्री डेज आपको सामने दिख रहा है। ये अपने आप में एक सैनिटरी नैपकिन है। क्या है? सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन जो है, इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप लोगों ने टीवी पे ऐड देखा होगा, अक्षय कुमार का ऐड आता है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकती है। तो अब हम जब एडवाइस करते हैं फीमेल्स को कि डोंट यूज क्लोथ्स, कपड़ा यूज मत कीजिए, जो ऐसी चीजें जो गंदी हो सकती है उनको यूज मत कीजिए, आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कीजिए, तो उसके लिए वो अफोर्डेबल नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट में जो सैनिटरी पैड का पैकेट लेने जाते हैं तो इट मे बी कॉस्टली, ये महंगा हो सकता है क्योंकि उनकी मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है। एक मूवी भी आई थी पैडमैन, पैडमैन जो मूवी आई थी, बहुत अच्छा मैसेज था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फ्री डेज नाम से, इसका नाम है फ्री डेज, फ्री डेज के नाम से एक सैनिटरी नैपकिन स्टार्ट किया गया और इसकी कॉस्टिंग रखी गई छह रुपए में 6 पैक। आशा की जिम्मेदारी है कि वो हर घर घर जाके 6 पैक का पैकेट अवेलेबल करवाएगी। एक पैक की कॉस्टिंग कितनी हो गई, सॉरी, एक पैड की कॉस्टिंग कितनी हुई, 6 पैक नहीं, सॉरी, मतलब 6 पैड का पैक, इसमें 6 पैड आते हैं तो लगभग 1 रुपए का कॉस्टिंग हुआ, एक पीस की कॉस्टिंग हुई 1 रुपया। इसमें क्या फायदा है आशा को, सुन लीजिए, पहली बात तो आशा को यह फायदा है कि उसको एक पैड पे 1 रुपया मिलता है, तो 6 पैड उसने दिए तो उसको 6 रुपए मिल गए, पहली बात। दूसरी बात, उसको खुद को 6 पैक का एक पैकेट फ्री, 6 पैड का एक पैकेट, ये पैक नहीं है, 6 पैड से उसका एक पैकेट उसको फ्री मिलेगा। अब ये 6 रुपीज के हिसाब से, अब 1 रुपया तो उसके पास रहेगा और 5 रुपए वो गवर्नमेंट के पास जमा कराएगी,
इसको स्टार्ट किया गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ये जो सबला स्कीम है ना, इसका नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। इस स्कीम का नाम था, जो सबला स्कीम बता रहा हूं, इसका नाम था राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। 1 अप्रैल 2011 में स्टार्ट हुई थी ये स्कीम सबला। आंसर इसका यही है सी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। अब मैं बाकी के बारे में बता रहा हूं। सबला जो स्कीम है ये राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट की गई। किशोरी शक्ति योजना ये पार्ट है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम उसी का पार्ट है, और उसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं, बालिका मंडल और गर्ल टू गर्ल अप्रोच, दो चीजें इसके अंदर होती हैं। ये किशोरी शक्ति योजना है, इसमें भी जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, नॉर्मली जो हमारा RMNCH+A है उसमें 10 से 19 साल की एज मानी गई है, किस चीज के लिए, एडोलेसेंट के लिए। तो मैंने आपको कहा कि यहां पर ध्यान रखना ये ICDS का पार्ट है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम मैंने आपको बता दिया है, ये भी 2011 में स्टार्ट हो गई थी 2011। और जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ये स्टार्ट हुई थी 12 अप्रैल 2005। इसमें कैश बेनिफिट दिया गया था, जो महिला अपने बच्चे को जन्म देती है 12 अप्रैल 2005 को, इसे मैटरनिटी बेनिफिट जो स्कीम थी ना उसी का हिस्सा थी, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का ही ये हिस्सा थी जो 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट की गई जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसमें कैश पैसा 1400 रुपए गांव की महिला को, 1000 रुपए शहर की महिला को, 600 रुपए आशा को और 200 रुपए मोटिवेटर को, इस प्रकार से उसमें कैश बेनिफिट दिया गया जिसके बारे में बात करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। चलिए अगला क्वेश्चन, IM शक्ति उड़ान स्कीम लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फेज ऑन विच डेट। ये राजस्थान की स्कीम है, मैं बता देता हूं ये स्कीम कौन से स्टेट की है, और आसान कर देता हूं कि इसकी घोषणा की थी हमारे चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टेड अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत जी ने इसकी स्थापना स्टार्टिंग की और इसका नाम था IM शक्ति उड़ान स्कीम लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फेज ऑन विच डेट। कौन सी डेट को इसको स्टार्ट किया गया, फटाफट आंसर दीजिए, समय कम बचा है। हाँ, बी 22 मार्च 2022, डी ए पता नहीं, कोई बात नहीं अमित, बी सी। मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है। मोहम्मद रईस बिल्कुल सही आंसर है, मोहम्मद रईस योर आंसर इज करेक्ट, अनिता आपका आंसर सही है। चलिए मैं सब लोगों के मैसेज नहीं पढ़ पा सकता, समझ लीजिए इसकी, इस क्वेश्चन का आंसर तो है 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021 को इसको स्टार्ट किया गया। पहले ये स्टार्ट होने वाली थी 19 नवंबर, 19 नवंबर इज द बर्थडे ऑफ इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका बर्थडे होता है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर को ये होने वाली थी, लेकिन इसको 19 दिसंबर की फर्स्ट फेज को स्टार्ट किया गया और इसका अनाउंसमेंट हुआ था 29 सितंबर 2021। इस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम ये स्कीम स्टार्ट करेंगे, अनाउंस किया था स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट कब हुई, 19 दिसंबर 2021। जब इसको अनाउंस किया गया था तब यह प्रपोजल था कि 19 नवंबर को स्टार्ट की जाएगी, पर यह 19 दिसंबर को स्टार्ट हुई और 29 सितंबर 2021 को इसका अनाउंसमेंट हुआ और 19 दिसंबर 2021 को स्कीम स्टार्ट की गई। बात समझ में आ रही है, तो यह भी एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए थी, जो हाइजीन है उनके प्रमोशन के लिए, जो उड़ान जो पर्टिकुलर है वो सैनिटरी नैपकिन के लिए ही है, उसको स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर आएगा बिल्कुल ए, क्या आंसर आएगा, ए, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए,
अच्छा वो क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहा था। ध्यान रखना मैं दो बार क्वेश्चन बोलूंगा। कितनी बार बोलूंगा? दो बार। आप सभी लोग रेडी हैं? मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा उस क्वेश्चन को, दो बार बोलूंगा। फटाफट आप लोग यस सर बोल दीजिए यदि आपने मेरी बात को सुन लिया है। मैं सिर्फ दो बार उस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले जो बच्चा देगा विद मोबाइल नंबर, उस बच्चे को मेरी तरफ से प्राइज दिया जाएगा। मैं जानता हूं कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट ये एक मोटिवेशनल है, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि आपको अच्छा लगेगा कि हां कुछ चीज हमने हासिल की सही आंसर देके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, आई विल रिपीट द क्वेश्चन टू टाइम्स एंड यू हैव टू गिव द आंसर। यू ऑल आर रेडी? आंसर के साथ मोबाइल नंबर चाहिए नीरज, आंसर के बिना मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं दो बार बोलूंगा, फटाफट सुन लेना। क्वेश्चन है शुद्ध के लिए युद्ध अशोक गहलोत जी ने स्टार्ट किया जनवरी 2022 में 3 महीने के लिए, उसकी मिलावट की खबर देने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, शुद्ध के लिए युद्ध अशोक गहलोत जी के द्वारा जनवरी 2022 में स्टार्ट किया गया 3 महीने के लिए, इसमें मिलावट की सूचना देने वाले को कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? और आपका समय शुरू होता है अब। अभी तक आंसर नहीं आया, आंसर 5 लाख गलत है, 51,000। मोनू सैनी इज द राइट आंसर एंड द विनर इज आल्सो मोनू सैनी। ये मोनू सैनी जो भी है, क्लास खत्म होने के बाद आई विल कॉल यू, और मैं नहीं कर पाऊं तो तुम मुझे कॉल कर देना, आगे से नंबर मेरे पास सेव रहेगा। मोनू सैनी, योर आंसर इज राइट, 51,000 रुपए बिल्कुल सही जवाब है। बाकी बच्चों का आंसर जो है बाद में देते जा रहे हैं, सही है, बट मोनू सैनी इज द विनर ऑफ द टूडेज क्विज। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन होगा, बट ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट बीच बीच में स्टार्ट करती है, और बात पैसे की नहीं है, बात है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इनमें से कौन सा प्रेगनेंसी टेस्ट किट से रिलेटेड है? और इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फटाफट आंसर दीजिए। कुमार विजय मेरे पास जिसका शो करेगा बेटा, आई विल डेफिनेटली उसी के लिए बोलूंगा, ठीक है। और जो लिस्ट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, मैं भी दोबारा चेक कर लूंगा, बट मुझे जिसका नाम नजर आया वो मोनू सैनी था, सही था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बी, हाँ बिल्कुल सही, बी आंसर दे रहे, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना निक्षय जो है ये टीबी का पोर्टल है, किससे रिलेटेड है? ट्यूबरक्लोसिस। निश्चय जो है ये आपके क्वेश्चन का आंसर है प्रेगनेंसी डिटरमिनेशन किट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। फेमिलोन इज अ न्यू लो डोज ओसीपी, ये नई लो डोज ओसीपी है जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा मतलब इथाइनिल ईस्टेडियोल की मात्रा, नॉर्मली इथाइनिल ईस्टेडियोल की जो मात्रा होती है कंबाइंड पिल्स में वो होती थी 0.03 मिलीग्राम, इसको घटाकर 0.02 मिलीग्राम कर दिया। तो ये फेमिलोन जो है वो न्यू लो डोज ओसीपी है, कंबाइंड ओसीपी, ये कंबाइंड ओसीपी है जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा को घटाया गया है, 0.03 की जगह 0.02 किया गया है, तो ये उसका है। और गुड न्यूज आपको मिल जाएगी जब आपका सिलेक्शन होगा। हम दुआ करते हैं कि आप सब लोगों को गुड न्यूज मिले, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे नॉर्सेट की कर रहे हैं, आरएमएल की कर रहे हैं, पीजीआई की कर रहे हैं, सीएचओ की कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेक्शन मिले वो आपके लिए गुड न्यूज होगी। तो यहां पर जो आज का सेशन था वो यहीं खत्म करते हैं, और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। मुझे जहां तक उम्मीद है
मुझे जहां तक उम्मीद है राधे श्याम क्या कह रहे हैं, नहीं देंगे बेटा, ये फालतू की बातें, फॉर्मेलिटी वाली बातें हम नहीं करते, जो कहते हैं वो करते भी हैं, इसलिए प्लीज ये फालतू के कमेंट या मत किया करो, पढ़ने आते हो पढ़ो, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। एलएनजी की सेम है विपिन, एलएनजी की सेम है 0.15 मिलीग्राम, उसमें उसकी मात्रा नहीं बदली गई है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देख लीजिए, आज का सेशन यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, कल ओबीजी का सेशन है, आप ध्यान रखें, कनेक्टेड रहें। कल कुछ एक अनाउंसमेंट होगा, अच्छा अनाउंसमेंट होगा, कुछ न कुछ अच्छी चीज होगी। आप सभी लोग नर्सिंग टुडे के चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस, आपको जितना एफर्ट हो सकता है उतना। नरेश 2M, नरेश बेटा जो भी होगा चेक कर लेंगे, जिसने दिया होगा डेफिनेटली आई विल चेक। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, और सब लोगों को शुभरात्रि। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।